नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों 15 अगस्त शनिवार को अजा एकादशी का व्रत आ रहा है। अजा एकादशी के दिन दोस्तों गाय माता को छूकर मात्र दो शब्द बोल दें, आपका परसों पुराना सोया भाग्य भी जाग उठेगा। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों भाद्रपद का पूरा महीना व्रत और त्योहारों से संपन्न होता है, इसी क्रम में अजा एकादशी भी है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। दोस्तों ये 15 अगस्त शनिवार को है। दोस्तों इस दिन किए गए उपायों को और इस दिन किए गए खास उपायों से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है, और इस दिन अगर आप व्रत करते हैं दोस्तों तो आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर ही फल मिलता है। दोस्तों वैसे तो सभी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन अजा एकादशी श्री हरि को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अजा एकादशी के दिन दोस्तों गाय माता के पास जाकर मात्र दो शब्द बोलने मात्र से भी आपके पास आपकी गरीबी, जो वर्षों पुरानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, वो भी छोड़कर चली जाती है। आपका भाग्य में जो बाधाएं आ रही है वो भी खत्म हो जाती है। दोस्तों अजा एकादशी को करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस व्रत को करने वाले व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है। आत्मा मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की ओर चली जाती है। दोस्तों मैं आपको ये उपाय बताऊं, उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय गौ माता लिख लें, जय श्री हरि विष्णु लिख दें, हमें बेहद खुशी होगी। दोस्तों गाय जो है, हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है, इसीलिए गाय को काफ़ी पवित्र माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। गौ माता को पूजनीय माना जाता है, और गाय माता की सेवा करने से काफ़ी शुभ फल प्राप्त होता है। और यह भी कहा जाता है दोस्तों कि गौ माता की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है, और उनके पूजा करने के बराबर हमें फल मिलते हैं। दोस्तों गाय का महत्व जो है वो वैदिक काल से रहा है, और खुद भगवान श्री कृष्ण गौ माता से काफ़ी स्नेह रखते थे और उनकी पूजा करते थे। दोस्तों गाय माता के साथ क्या करना है ये भी आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। आपने अजा एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने आप को एकदम स्वच्छ करना है, नहा धोकर नित्य कार्य से निवृत्त होकर अपने शरीर को स्वस्थ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपने घर में मौजूद घर का मंदिर जो होता है उसकी सफाई करनी है, अच्छी तरह से उसको धोना है। उसके बाद प्रभु श्री हरि विष्णु की तस्वीर और माता लक्ष्मी की तस्वीर जो है उसको अच्छी तरह से धोकर गंगा जल का छिड़काव कर उसे पवित्र बना लेना है। दोस्तों पवित्र करने के बाद आपने सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु के सामने दोस्तों एक देसी घी का दीपक लगा देना है। देसी घी का दीपक लगाकर दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अगर आप अजा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस व्रत का संकल्प लें, और अगर आप व्रत नहीं मात्र पूजा कर रहे हैं तो भी हाथ जोड़कर उनसे पूजा स्वीकार करने की रिक्वेस्ट करें, उनसे प्रार्थना करें। दोस्तों उसके बाद आपने भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, अच्छी सी एक मिठाई लेकर उसका भोग लगा ले दोस्तों। और उसके बाद एक चीज़ का खास ख्याल रखना है दोस्तों कि जिस वक्त आप श्री हरि विष्णु को भोग लगा रहे होते हैं तो भोग में तुलसी दल का अवश्य ही आपने इस्तेमाल करना है। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी जो है वो अत्यंत ही प्रिय होती है। भगवान विष्णु की दोस्तों पूजा करने के बाद अब आपके घर में जब रोटी बन रही हो तो उसकी सबसे पहली रोटी आपने अलग से रख देनी है। अगर इस दिन आप व्रत कर रहे हैं और रोटी नहीं बना रहे हैं तो रोटी बनाएं, और दोस्तों एक सबसे पहली रोटी को अलग रख देना है।
रोटी बने उससे पहले उस रोटी को अच्छी तरह से घी से अच्छी तरह से चोपड़ लेना है दोस्तों। रोटी को चोपड़ पर उस पर एक गुड़ की ढेली जो होती है छोटी वाली दोस्तों, यानी गुड़ की ढेली जो होती है उसे उस रोटी पर रख देना है। और दोस्तों रोटी को गुड़ के चारों ओर लपेट देना है। उसके बाद आपने अपने हाथों से अपने आसपास या आप स्वयं की गाय है तो उस गाय के पास जाना है और उस रोटी को लेकर उस गाय को खिला देना है। दोस्तों गाय को खिलाने के बाद आपने गाय माता पर हाथ फेरना है, धीरे धीरे हाथ फेरना है और एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। ओम सर्वदेवमय देवी लोकाना शुभ नंदिनी मात मर्माभिषितम सफलम कुरु नंदिनी। वापस से सुन लीजिए दोस्तों। ओम सर्वदेवमय देवी लोकानाम शुभ नंदिनी मात मर्माभिषितम सफलम कुरु नंदिनी। इस मंत्र के उच्चारण के बाद गौ माता को नमन कीजिए और आपके मन में अपनी मनोकामना है वो मनोकामनाएं गौ माता के कान में आपने बोल देनी है। गौ माता को वो मनोकामना आपने बता देनी है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है, साथ में ही आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा नहु ग्रह जो है दोस्तों वो भी आप पर प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा आपको जब भी मौका मिले तो गौ माता की सेवा अवश्य करें दोस्तों। अगर संभव हो तो आप प्रत्येक दिन आप गाय माता को हरा चारा खिलाएं और गाय माता को गुड़ और रोटी खिलाएं और इस मंत्र का जाप कीजिए। आपके सभी जो मंगल ग्रह दोष हैं, सूर्य ग्रह दोष हैं, ऐसे में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका भाग्य चमक जाता है। वहीं दोस्तों अगर कोई चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत करना चाहता है तो उन्हें भी गौ माता को गुड़ डालकर रोटी खिलानी चाहिए। और दोस्तों अगर हर दिन सुबह जब भी घर में रोटी बने तो वो पहली रोटी गाय के लिए अलग से आप रखेंगे तो निश्चय ही आपका भाग्य चमकने लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु लिख दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। जय गौ माता, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।